बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल नया है इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, हमें आपके तामन की ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी ड्रामे बेहयाई फैलाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और इनका साथ देने के लिए अब मैदान में मॉर्निंग शो भी आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बेहुदा और ग्लाजर वाला क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें नौजवान लड़कियाँ और लड़के क्या कर रहे हैं ये मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। और इस मॉर्निंग शो की होस्ट जुग्गन है, जिन्हें पीटीवी से निकाला गया था। ऐसी कौन सी गंदी हरकत इसने की थी कि पीटीवी को इसे निकालना पड़ा, इससे भी आगे चलकर मैं पर्दा उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पाकिस्तानी ड्रामों के राइटर्स इस कदर गिर चुके हैं कि वो हर ड्रामे में ही बहनोई और साली का चक्कर दिखाते हैं, साथ ही सुसर और बहू के रंग रलियाँ दिखाते हैं और फिर बॉस की अपने मुलाजमा के साथ ज़बरदस्ती दिखाते हैं। और सबसे बढ़कर अब इन ड्रामों में ये भी दिखाया जाने लगा है कि बगैर शादी के लड़का और लड़की अपने ख्वाहिश को पूरा कैसे करें और अगर बच्चा होने का इम्कान हो तो इसे ज़ाया कैसे किया जाए। इस कदर हमारे ये लोग गिर चुके हैं कि पैसे की लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है। अब जुगन के मॉर्निंग शो का एक क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़की और लड़कियाँ एक फल को लटका कर दोनों साइड से मुँह में डालते हैं तो कभी इसी फल को एक के माथे पर रखकर दूसरा खा रहा होता है। इसी दौरान ही ऐसे मनाजर भी सामने आए हैं कि जिनमें लड़का और लड़की फल खाने की कोशिश में किस कर बैठते हैं। जुगन को पीटीवी से भी इसकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से निकाला गया था। इसने पीटीवी को अपने घर का इदारा समझा हुआ था, वहां पर इसने नौजवान लड़कों और लड़कियों को बगैर शादी के रहने की टिप्स दी थी, जिस वजह से इसको पीटीवी से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान का तकरीबन हर मॉर्निंग शो ही इस वक्त बेहयाई फैलाने में पेश पेश है। न जाने पैमरा कौन सी नींद की गोलियां खाकर सो गया है, किसे ये सब सरेआम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। जी तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।